मेरा नाम आमिर फयाज है, मैं यहाँ से मैकेनिकल बीटेक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में से कर रहा हूँ। और जहाँ तक गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात है तो मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल जो है इस पोस्ट के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सबसे पहले तो बहुत एजुकेटेड हैं और जैसा कि सब जानते हैं कि वो आई आई टी खड़गपुर से उन्होंने वो किया है, बीटेक किया है, और प्लस उन्होंने मतलब कि आईएएस क्वालिफाई भी कर रखा है। तो वो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस वो ले चुके हैं दिल्ली में गवर्नमेंट फॉर्म करके, और उन्होंने जो जो ब्रीफ पीरियड की उन्होंने यहाँ मतलब कि गवर्नमेंट फॉर्म की थी और जो उन्होंने एक्ट किया उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने सही काम किया था लगभग। तो मेरे हिसाब से आप की गवर्नमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है, उसमें यूथ जो है उनका बहुत प्रोग्रेस हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि आपके एजेंडे में मिल सकती हैं। बाकी और जहाँ तक बात है बाकी दो पार्टीज़ की, कांग्रेस और बीजेपी, तो हम लोगों के पास हमेशा दो ही ऑप्शंस रहे हैं। एक बीजेपी से इंसान अगर बोर हो जाता है तो कांग्रेस के पास चला जाता है, और अगर कांग्रेस से बोर हो जाता है तो बीजेपी के पास चला जाता है। तो हमारे पास एक नया ऑप्शन आया है और इस हिसाब से हमें आपको ही इस गवर्नमेंट के लिए चुनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल बहुत सही है इस पोस्ट के लिए, प्लस उनके जो अब उनमें कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे उसमें जैसे कि अब कुमार विश्वास साहब उनसे जुड़े हैं जो कि अभी नए हैं इस पॉलिटिकल सिनेरियो में, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ हद तक इंटरटेनमेंट से रिलेटेड अगर कोई ऐसा एक मिनिस्ट्री है तो उनको उनके लिए देना चाहिए, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए हैं बहुत सालों से। प्लस अब सिसोदिया साहब हैं, वो ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट में ऑलरेडी मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है कम से कम पॉलिटिक्स का। वो भी एक आईआईटी इंजीनियर है, तो उनमें भी बहुत ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि कुछ इंडिया के लिए वो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको भी कोई एक ऐसा जो कि बहुत ही वैल्यूबल कोई अगर मिनिस्ट्री है तो उनको देना चाहिए।